Sri Nazir Ahmad Laway. Honorable Chairman Sahab, मैं आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से और अपनी सरकार चीफ मिनिस्टर महबूबा तरफ से आपको बहुत मुबारक देता हूं। सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप, जब हमने सुना कि आपका फार्म भरने वाला है उसी दिन आप जम्मू कश्मीर स्टेट में थे, तो सारे जम्मू कश्मीर में एक उम्मीद सी हो गई कि आज कि कल हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो अफसर होंगे। सर, मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ। जब 2002 में आप जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बने तो मैं घर में बैठा था, तो हम टीवी पर देख रहे थे। उसी वक्त मुझे उन्हीं दिनों मैं पॉलिटिक्स में आ गया, तो मेरी मिसेस मेरे साइड में थी। तो जब आप प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, तो मैंने मिसेस को कहा कि शायद आने वाले कल में 2002 में हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ऊपर वाले को कुछ मंजूर होता है, उस वो कायनात का सुप्रीम है, उसको जो करना होता है वो ही करता है। सर, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि आप इस वक्त हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारे संसद भाइयों ने यहाँ कहा, कुछ MPs ने यहाँ कहा कि हमारी भाषा जो जम्मू कश्मीर की भाषा है वो कश्मीरी में है। अगर मुझे कश्मीरी बोलने का मौका होता तो मैं अपने सारे जो एक्सप्रेस वो आपके सामने लाता, लेकिन वो है नहीं। और मेरी एक गुजारिश है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हमारे सीरियस हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो संसद में हमारी बहनें यहाँ हैं, जो MPs हैं, लेडीज़ हैं, उनको प्रायोरिटी नंबर 1 दे जाए बोलने में, ताकि हमारे जो देश में जो मसाइल है हमारी बेटियों के, हमारे महिलाओं के, वो उजागर करने में उनका अहम रोल रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।